बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल गुगु ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज हम एक ऐसी राइड पर जा रहे हैं जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हितकारी है, और ये जो राइड है वो स्पॉन्सर कर रहे हैं इको टूरिज्म बैतूल के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस बैतूल के द्वारा। नमस्ते सर। नमस्ते, बैतूल नगरवासियों सभी को मेरा नमस्कार। ये मैं ट्रैफिक इंचार्ज गजेंद्र कैन। ये जो राइड है हमारे जितने भी राइडर्स हैं बैतूल राइडर्स, इनके माध्यम से हम एक संदेश देना चाह रहे हैं बैतूल के सभी नागरिकों को, सभी युवकों को जो दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं और अपनी जर्नी पूरी करते हैं, वो कृपया कर हेलमेट का उपयोग करें, क्योंकि दुर्घटना में सबसे ज़्यादा जो है दोपहिया वाहनों की मृत्यु होती है, दोपहिया वाहन चालकों की मृत्यु होती है सिर्फ हेलमेट ना लगाने का। तो हम सब आप इन सब के माध्यम से, जो बैतूल बाइक राइडर्स क्लब के माध्यम से, हम ये सबको संदेश देना चाहते हैं, सबसे अपील करना चाहते हैं कि सभी लोग हेलमेट लगाएं और सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रखें। थैंक यू। एक बहुत ही अच्छी पहल जो है वो ट्रैफिक पुलिस बैतूल के द्वारा आयोजित की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो अभियान है उसका नाम है मेरे पापा सेफ है, और आपके लिए एक सवाल है, क्या आपके पापा सेफ हैं, क्या वो हेलमेट लगाते हैं राइडिंग के दौरान? अवर ग्रुप बॉडी बिल्डर प्रांजल वर्मा फ्रॉम दिस वन जैतापुर सुहागपुर। ओके, इज द शुगर मिल। ओके ओके, हां आई हियर अबाउट यू। विलेज इज हैविंग 80 एकर्स लैंड। एक फार्म लैंड भी है ना, फार्म हाउस भी। तो इतने बारिश में हम लोगों के लिए देखो सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, और सैल्यूट है सर आपको। तो भाई ये मैम लोग हैं, देखो इतनी बारिश में भी सभी के लिए आए हैं यहाँ पे हम लोग को वेलकम करने के लिए, और ये हमारे नीलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। और इसी के साथ ही हरी झंडी दिखाकर हम सभी राइडर्स को कुकरू खामला के लिए रवाना किया जाता है। फिर सभी राइडर्स खीरपानी पहुंचकर हनुमान जी को नमन कर भैंसदाई की ओर प्रस्थान करते हैं।
भैंसदेही पहुंचने के बाद सभी राइडर्स का स्वागत किया जाता है और हाईवे राइडर्स बैतूल और एमपी को टूरिज्म के बीच में बैच का आदान प्रदान किया जाता है। उसके बाद सभी राइडर्स नाश्ता करके और थोड़ा सा रेस्ट करके निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल कुकरू की ओर। जो ये आप देख रहे हो इतने घने यहाँ पर बादल है, ये पंखुड़ी सिर्फ आधी इधर की आधा दिख रहा है और ये इधर आगे वाला तो भाई ऊपर का पूरा गायब हो गया। और ये आप देख रहे हो इसकी सिर्फ डंडी दिख रही है। यहाँ पर बहुत तेज अभी बारिश मतलब हो ही रही है जब से हम घर से निकले हैं। कुकरू पहुँचने के बाद सभी राइडर्स का बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जाता है। जी फाइनली हम इतने अच्छे मौसम में ड्राइव करते हुए पहुंच गए कुकरू कामला। और अभी का जो मौसम है बहुत ही गजब और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है, एक नंबर, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तो आइए कुकरू कामला आने के बाद हमारा इस तरीके से आदर सत्कार हो रहा है सभी का, सभी राइडर जितने भी है। कुछ भी दिखाई नहीं देता, विजिबिलिटी एकदम ख़त्म है अभी यहाँ पर, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ के जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर बढ़िया ये घर बने हुए हैं। सभी राइडर्स ने अपनी बाइक जो है यहाँ पर पार्क कर दी है। तो दोस्तों ये यहीं पर है कॉफ़ी के बगान, इसके पीछे जो ये दिख रहा है ना इधर पूरे कॉफ़ी के बगान है। कॉफी को ठंडा माहौल चाहिए, 44 हेक्टेयर में पूरी कॉफ़ी की कॉफ़ी हो रही है। अब ये पूरे कच्चे हैं ना, ये जनवरी के आसपास, जनवरी के आसपास पकेंगे ना। तो दोस्तों समुद्र सागर से 3668 फीट की ऊंचाई पर ये बचा हुआ है हमारा हिल स्टेशन। यहाँ पर कॉफी के बगान भी है, यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत विंडमिल्स भी है। और हम लोग के राइडर्स लोग बहुत सारे लोग जो आए हैं ये इको पर्यटन बैतूल की तरफ से और बैतूल ट्रैफिक जो है उसकी तरफ से हम लोगों ने ये उन्होंने राइड जो है स्पॉन्सर की है और बैतूल हाईवे राइडर्स ग्रुप के तरफ से हम लोग ये राइड पर आए हुए हैं। भाई पकोड़े लो, ज़्यादा वाले ये लो भाई पकोड़े 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 अरे दोनों आते गिर जाएंगे। मैं अमित सिंह चौहान मंडल की ओर से, भैंसदेही परिक्षेत्र की ओर से एवं कुकरू इको टूरिज्म समिति की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद देता हूं। जो यहाँ के स्थानीय समुदाय है आदिवासी जनजाति है, 90% लोग यहाँ के कोरकू जनजाति के हैं, उनका एक पारंपरिक कोरकू नृत्य होता है जो कि बाहर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, जो
आज की दुनिया है उसमें बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, डांस रहते हैं, लेकिन ये अपना ट्रेडिशनल डांस जो ये कंटिन्यू किए हुए हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। राइडर
राइडर रजनीश कवड़े तो दोस्तों ये रूम हमको मिला है यहाँ पर कुकरू में। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये भाई नीलेश, ये वतन ब्रो। हेलो भाई। अभी हम लोग बस अब यहाँ पर आए हैं, अभी इवेंट ख़त्म हुआ है और इवेंट में ये हमको सर्टिफिकेट मिला है राइडर हेमंत बड़ोदे पार्टिसिपेशन का। और ये टी शर्ट मिली है भाई, बहुत मस्त टी शर्ट है, यही पहन के बताऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया रूम है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। एक गद्दा हमको जो है ना एक्स्ट्रा भी दे दिया है नीलेश को देखते हुए। तो दोस्तों ये टी शर्ट हमको मिली है द फॉरेस्ट मीम्स की तरफ से। ये हमारे यहाँ पर, ये हमारा हाईवे राइडर का यहाँ पर लोगो है और पीछे बढ़िया हैशटैग हाईवे राइडर बना है। कैसे लिए आपको टी शर्ट कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो सर्टिफिकेट मिला वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। और ये सर्टिफिकेट भी मिला है। और ये बहुत सालों बाद ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, पत्ते की थाली। ये डिस्पोजेबल होती है, ये जो पतराली नहीं, ये डिस्पोज हो जाती है। और इसमें बढ़िया ये दिख रहे हैं आप, बहुत अच्छी हाँ, लीकेज प्रूफ भी है और साथ में धोने भी वैसे ही है, मस्त एक नंबर ही है। स्वाद बढ़िया आता ना, नमक कम रहती तो बराबर नमक लाने लगता है। बस इसमें जो है मक्के की रोटी है दोस्तों इस प्लेट में, और टमाटर की चटनी है, और यहाँ पर आलू और क्या बोलते हैं उसको सेमी की सब्जी है, सलाद है। और ये कुटकी है दोस्तों, ये हर कहीं नहीं मिलता, ये सिर्फ गांव में ही मिलता है। तो प्रॉपर गांव वाली जो है यहाँ पर थाली हमको डिनर में दी गई है। देख के मुँह में पानी रख गया, चलो फटाफट से खाना खाना शुरू करते हैं। चटनी लंबा हुई है मक्के की रोटी के साथ, मज़ेदार। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हे कारे दरबार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है, साथ वाले सभी लोग उठ गए, मैं भी उठ गया हूँ। ठंडी बहुत लग रही थी तो सोचा ऐसा लेट लेता हूँ। सभी लोग नाश्ता करने चले गए हैं तो ब्रेकफास्ट करके फिर देखते हैं यहाँ पर क्या सीन होता है, फिर निकलते वापस घर के लिए। बहुत मज़ेदार नींद आई, एकदम बढ़िया। रात को डांस वांस किया, बढ़िया मस्त, खूब खाना वाना खाने के बाद एक नंबर टेस्टी खाना था। अब चलते नाश्ता करते, देखते नाश्ते में क्या है, तो बस सीधे घर चले गए।